सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 30 है। इस वीडियो में मैं आपको गेटवे के बारे में बताने वाला हूँ। गेटवे क्या होता है, गेटवे का इस्तेमाल क्यों होता है और गेटवे का यूज क्या होता है हमारे नेटवर्क में। तो गाइस, गेटवे के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। गेटवे एक्चुअल में हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो कहाँ पे होता है, एक लॉजिकल डिवाइस कह सकते हैं हम इसे या एक फिजिकल डिवाइस भी कह सकते हैं, किस लिए हम इस गेटवे का इस्तेमाल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में गेटवे के बारे में आपको मिल जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है हमारा। एक्चुअल में जो गेटवे होता है दो फॉर्म में आता है, एक लॉजिकल फॉर्म में होता है, एक छोटा सा आप मान लो एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि हमारे राउटर में होता है, या आप फिजिकली इसे एक बड़ा सा डिवाइस भी मान सकते हो। तो गेटवे यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गेटवे के बारे में। तो एक्चुअल में जो गेटवे होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो गेटवे कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ गेटवे डिवाइसेस लाइक फायरवायर एंड राउटर। तो गाइस, फायरवायर राउटर दोनों में ही अपने अपने गेटवे होते हैं। अब गेटवे का इस्तेमाल क्यों होता है, गेटवे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी दो तरीके का नेटवर्क आपस में जोड़ने हो, कम्युनिकेशन बिल्ड करना हो। जैसे कि राउटर को आपको पता है दो कम्युनिकेशन को आपस में इंटरैक्ट कराता है, एक आपका पब्लिक हो सकता है, एक प्राइवेट हो सकता है, या दोनों ही प्राइवेट हो सकते हैं या दोनों ही पब्लिक हो सकते हैं। राउटर क्या कर रहा है, आपका दो कम्युनिकेशन को आपस में कम्युनिकेट करा रहा है या कम्युनिकेशन का बिल्ड कर रहा है। तो गेटवे आपका वही काम करता है, राउटर के अंदर गेटवे होता है, इसीलिए राउटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों नेटवर्क को आपस में इंटरेक्ट करा पाता है। इट इज अ नोड बिटवीन द पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क विच मेक सम सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के जरिए ये कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे क्रिएट करता है, एक ऐसी प्राइवेसी आपके प्राइवेट नेटवर्क की क्रिएट करता है कि कोई दूसरा अनऑथराइज एक्सेस ना ले पाए। तो राउटर के अंदर अगर आप ध्यान से आपको पढ़े राउटर के बारे में, तो वहां पे क्या होता है कि राउटर के अंदर आपका गेटवे ही लगा होता है जिसकी मदद से आपका राउटर दो नेटवर्क को आपस में इंटरेक्ट करा पाता है। लेकिन बड़े बड़े नेटवर्क्स में क्या होता है, गेटवे एक फिजिकल डिवाइस के रूप में होता है जो कि राउटर के अंदर ना होकर एक फिजिकल डिवाइस होता है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके का डिवाइस होता है जो कि यही काम करता है। ठीक है, राउटर में तो एक लॉजिकल डिवाइस, एक छोटा सा एक पार्ट लगा होता है उसका राउटर के अंदर, जो कि एक छोटे बड़े नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकता है इस काम के लिए। लेकिन अगर मेन बड़े नेटवर्क की बात करी जाए तो बड़ा सा डिवाइस होता है जो कि ये काम करा पाता है। अ गेटवे इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर। इट आल्सो एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क। नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स के जरिए दो नेटवर्क को आपस में इंटरेक्ट कराता है। तो गेटवे का नाम से ही पता चल रहा है यार, गेटवे एक तरीके का गेट है जिससे आप अंदर हो सकते हो या बाहर हो सकते हो। अंदर आप मान लो प्राइवेट नेटवर्क, बाहर आप मान लो पब्लिक नेटवर्क। तो अंदर बाहर का इंटरेक्शन क्या है, एक गेट है। गेट की वजह से आप बाहर जा पाते हो और अंदर आ पाते हो। तो प्राइवेट और पब्लिक में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो गेटवे के थ्रू ही आपका कम्युनिकेशन इधर से उधर आ पा रहा है या जा पा रहा है। तो गेटवे एक लॉजिकल डिवाइस है जो राउटर के अंदर लगता है, साथ ही साथ एक फिजिकल डिवाइस भी है जो कि आपको फिजिकली देखने को भी मिल जाता है बड़े बड़े नेटवर्क्स में। तो गेटवे की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं। जस्ट लाइक कोई वर्कर रहा है आपका एफटीपी में, तो उसे आप वाईफाई डायरेक्ट वाले के साथ भी गेटवे के थ्रू जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये वर्क करता है। इट वर्क्स ऑल एट ऑल द सेवन लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। सातों की सातों लेयर में आपका गेटवे वर्क करता है, क्योंकि एक लेयर से जब आपका डाटा ट्रांसमिट होकर दूसरे लेयर पे जाता है तो एक गेट बीच में बना होता है, गेटवे कहते हैं जिसे। ठीक है, सातों लेयर्स में वर्क करता है। अनलाइक अ राउटर, अ गेटवे कैन फॉरवर्ड पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स दैट मे आल्सो यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। राउटर से थोड़ा सा हटके अगर गेटवे की बात करी जाए तो ये जो आपके पैकेट्स है वो किसी भी नेटवर्क में, किसी भी डिफरेंट नेटवर्क में फॉरवर्ड कर सकता है जो कि दूसरे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर वर्क करते हैं। तो जो राउटर होता है मेन पर्पस उसका इसलिए होता है कि जो राउटर है वो क्या करता है, आपका एक जगह से इनपुट लेता है और एक लॉजिकल वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, इसलिए राउटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां जो राउटर के अंदर इंटरेक्शन होता है पब्लिक टू प्राइवेट वाला, वो गेटवे ही कराता है। और गेटवे में एबिलिटी होती है दो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे बेस्ड दो नेटवर्क्स को आपस में इंटरेक्ट कराने की। इफ नेटवर्क ए इज टोकन रिंग नेटवर्क यूजिंग TCP/IP and network B is a novel network, a gateway can relay
फ्रेम्स बिटवीन द टू, तो दोनों ही नेटवर्क में ये यहाँ पे आपके फ्रेम्स को इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकता है अगर आपके दोनों ही नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं। मैंने बताया ऑलरेडी आपको, एक एफटीपी में वर्क कर रहा हूँ, एक चाहे वाईफाई के डायरेक्ट वाले में वर्क कर रहा हूँ, दोनों में इंटरेक्शन करा सकता है आपका गेटवे। तो गेटवे कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, जहां पे आपका इंटरेक्शन कराना हो कोई दो डिफरेंट नेटवर्क्स में, वहां पे आप गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हो दोनों को इंटरेक्ट कराने में। तो यहाँ पे आपका जो गेटवे है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका ओएसआई मॉडल में वर्क करता है। ओएसआई मॉडल की सातों लेयर में आपका गेटवे होता है। अगर हर लेयर में बात करी जाए तो हर लेयर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक लेयर से दूसरी लेयर में जब ट्रांसमिशन होता है तो एक गेटवे के थ्रू ही वो निकल पाता है डाटा किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होके किसी दूसरी लेयर पे। तो फंक्शंस ऑफ गेटवे, तो गेटवे के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इट हैज एबिलिटीज टू ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट्स एंड आल्सो बिटवीन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम जो फॉर्मेट होते हैं उनको आपस में ट्रांसलेट करा पाता है, तभी आपका जो नेटवर्क है यहाँ पे आपका एक नेटवर्क से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट हो पाता है डाटा, क्योंकि आपका जो फ्रेम होता है वो आपको पता ही है एक कन्वर्जन के थ्रू आपके लेयर में ट्रेवल करता है, कभी वो फ्रेम में होता है, कभी वो आपका पैकेट में होता है, कभी आपका बिट बाइट फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से वो ट्रेवल करता है। तो ट्रांसलेट कराने का इसमें एबिलिटी होती है कि आपका डाटा जो फ्रेम में है उसे किसी डिफरेंट तरीके के डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के भी यहाँ पे एबिलिटी गेटवे रखता है। इट इज अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम कंपेयर टू अ ब्रिज। तो ब्रिज की कंपेयरिंग में गेटवे आपका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज आपका ट्रैफिक रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गेटवे क्या है, दो नेटवर्क को आपस में इंटरेक्ट कराता है। तो ब्रिज आपको बस यहाँ पे नेटवर्क जो होता है उसका ट्रैफिक रिड्यूस करता है, साथ साथ इंटरेक्शन कराता है दो सेगमेंट्स का या मल्टीपल सेगमेंट्स का। गेटवे है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स का इंटरेक्शन कराता है, तो दोनों में आपका काफी डिफरेंस है, एक सेगमेंट को भी कराता है एक आपका नेटवर्क को कराता है। इट इज यूज टू कनेक्ट ह्यूज एंड इनकम्पेटिबल नेटवर्क्स। बड़े बड़े नेटवर्क्स में आपका इस्तेमाल होता है क्या, गेटवे। जैसे कि ऑलरेडी यार हर दुनिया में जितने भी नेटवर्क है सारे गेटवे से ही कनेक्ट है, आप यहीं से समझ लो, गूगल हो, फेसबुक हो, एप्पल हो, जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट, एवरीथिंग इज जस्ट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गेटवेज। तो गेटवे की मदद से ही कनेक्टेड है। तो गेटवे किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है ये देखो, आप यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट से आपका यहाँ पे आईएसपी से केबल आई कहाँ तक, आपके मॉडम तक। मॉडम आप मान लो यहाँ पे मॉडम नहीं लगा, यहाँ पे आपका राउटर लगा है, ठीक है। राउटर के अंदर ही आपका जो होता है गेटवे वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आप मान लो गेटवे आपने अलग से लगा रखा है, ठीक है, ये गेटवे है आपका। अब गेटवे क्या करेगा, उस पब्लिक से आए हुए नेटवर्क को ये प्राइवेट नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो प्राइवेट में जाएगा, तो यहाँ पे आपका वो प्राइवेट में आया, स्विच में आया, स्विच से चारों कंप्यूटर में चला गया। इस तरीके से ये आपका बीच में गेटवे वर्क करता है पब्लिक टू प्राइवेट नेटवर्क को आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए। कोई भी क्वेरी प्राइवेट से पब्लिक में जा सकती है, फिर पब्लिक से प्राइवेट में आ सकती है। तो गेटवे एक तरीके का दरवाजा होता है अंदर और बाहर का, अंदर प्राइवेट बाहर पब्लिक, इस तरीके से आप समझ लो। तो यहाँ पे जान लेते एक छोटा सा प्रैक्टिकल कि गेटवे जो राउटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो किस तरीके से उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है। तो जान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कैसे क्रिएट होता है। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपने सिस्को के पैकेट ट्रेसर पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मेरे 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर यहाँ पे है जो कि स्विचेस से कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक स्विच भी ले लेता हूँ और स्विच से सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट भी करा देता हूँ। तो मैं फटाफट से पहले यहाँ पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी से मैं बता पाऊँ कि मैंने करा क्या है। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया है। अब इस नेटवर्क में ये एक लैन नेटवर्क है और ये राउटर से आ रहा है, ठीक है। अब ये राउटर है आपका, ये राउटर से जो वायर जा रही है इंटरनेट में ना जाकर किसी दूसरे नेटवर्क के राउटर पे जा रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो नेटवर्क है आपका ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया और ये वाला डिफरेंट नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पे जो आपका नेटवर्क है ये अलग है इस राउटर के बाद, ये एक अलग प्राइवेट नेटवर्क है और इस राउटर के बाद ये एक अलग प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। तो यहां से इस कंप्यूटर से अगर इस कंप्यूटर में आपको कनेक्शन लेना है या कम्युनिकेशन कराना है वायर मीडियम के थ्रू, तो हमें यहाँ पे एक राउटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, राउटर में राउटिंग करनी पड़ेगी, तब हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो दोनों जो नेटवर्क है, अब जैसे आप इसको इंटरनेट मान लो, ये इंटरनेट है पूरा और ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है, तो ये आपका पब्लिक होगा, यहां तक पूरा पब्लिक होगा, ये एक पब्लिक आईपी के थ्रू यहां तक आपका कम्युनिकेशन आ रहा है, फिर यहां से वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो राउटर है वो एक्चुअल में ऐसा काम भी कर रहा है कि वो पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट कर रहा है, वो प्राइवेट से जो जा रहा है डाटा वो पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो राउटर यहाँ पे आपका एक इस तरीके का डिवाइस हो गया जो कि एक गेटवे क्रिएट कर रहा है आपके दोनों ही नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो यहाँ पे जो राउटर है आपका यही गेटवे की लोकेशन होती है, यहीं पे आपका गेटवे भी इंस्टॉल किया जाता है आपके पूरे नेटवर्क पे।
तो आप राउटर की लोकेशन को ही गेटवे की लोकेशन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि यही मेरी जो लोकेशन है गेटवे की है, तो इस जगह पे ही आपका गेटवे इंस्टॉल होता है आपके राउटर के ही आगे या पीछे। इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने नेटवर्क में अपने गेटवे को इंस्टॉल। तो आई होप यहाँ पे गेटवे की लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी किस जगह पे गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके राउटर में ऑलरेडी गेटवे होता है अंदर, तो इसको आप मान लो गेटवे ही है, ये गेटवे ही की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी गेटवे के बारे में। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इन्फॉर्मेशन गेटवे के बारे में आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस अगर थोड़ी सी भी वैल्यू या नॉलेज इस वीडियो से आपको मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना है, साथ साथ कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, सुझाव हो, जरूर से कमेंट कर देना। साथ साथ आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, नेटवर्किंग कोर्स की नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। साथ साथ CCNA जैसे कोर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और NIC कार्ड की वीडियो अगली आने वाली है। NIC कार्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।